एक्चुअली इस कैमरा का टाइमिंग, इस कैमरा का सेटिंग, ये सब कुछ जानना सबसे बड़ा बात है। मैं अभी तक स्टिल नाउ 3 दिन हो चुका है, अभी भी इसमें वीडियो बनाने में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है क्योंकि इससे पहले मैं कभी भी DSLR यूज़ नहीं किया। DSLR यूज़ किया लेकिन फोटोग्राफी करने के लिए, कभी भी वीडियोग्राफी करने के लिए नहीं। फर्स्ट टाइम मैं वीडियोग्राफी कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा भाई जो प्रो लेवल पे, वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर, उससे मैंने एडिट करवा दिया था। एडिट मतलब क्या, मैं इसको मेंटेन करवा दिया था कि कैसे क्या सेटिंग्स है, नहीं है, सब कुछ वो कर दिया था। लेकिन अभी मेरे को भी तो सीखना है, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा करके सीख रहा हूँ। यूट्यूब है भाई, यूट्यूब हर वक्त जिंदाबाद, तो यूट्यूब से मैं थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ कि कैसे इस कैमरे को, कैनॉन 600D को कैसे मैं हैंडल कर सकता हूँ। एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल कॉन्ग भाई से। सो आज का सीन है फुल स्लॉटेड बोल रहा हूँ, फुल सॉर्टेड। एक्चुअली आज जाना है मूवी देखने के लिए। मूवी कौन सा मूवी, एक विलेन, वो भी अशोका में, मेरा यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे है वो सिनेमा हॉल। मैं पीयू को बोला कि चलो यहाँ पे भी एक सिनेमा हॉल का मज़ा ले लेते। इससे पहले हम लोग शादी से पहले हम लोग जाते थे और शादी के बाद भी हम लोग एक दो बार मूवी देखने के लिए गए। उससे बाद डायरेक्टली हम लोग जब अंदमान गए थे, अंदमान में देखा भाई, यहाँ पे आके फिर एक बार जाना ही तो है। ब्रह्मास्त्र देखने तो जाना ही है, वो कब रिलीज होगा पता नहीं अभी तक। लेकिन अभी जो रिलीज हुआ है एक विलेन, मेरे को सुनाई दे रहा है कि किसी किसी से अच्छा है, किसी किसी से सुनाई दे रहा है कि थोड़ा बहुत नेगेटिव मार्किंग है मूवी के बारे में। मैं बोला ठीक है चलो एक बार खुद के तरफ से देख लेते हैं, देख के फिर पता चल जाएगा मूवी कैसा है क्या है। सो पिछला फ्रेम से लेके ये फ्रेम तक ऑलमोस्ट 4 घंटा बीत चुका है और मैं और पीयू अभी निकलने वाले हैं हम लोगों का मूवी देखने के लिए, जो मूवी है एक विलेन रिटर्न्स। सो अभी देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली ये कैमरा मैं घर पे रख के जा रहा हूँ क्योंकि कैमरा तो कैरी करने देगा नहीं, और कैमरा अगर कैरी करने भी देगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि इतना भारी सामान लेके जाना, फिर अगर कैरी करने नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इसलिए इसको घर पे लेके रख के जाता हूँ, लेके बोल रहा हूँ रख के जाता हूँ। आईफोन कैरी करके जाता हूँ क्योंकि आईफोन से तो मैं कॉमनली ब्लॉग बनाता ही था, अभी भी बनाऊंगा जब जहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर सकता, जैसे मॉल हो गया, फिर सिनेमा हॉल हो गया, ये सब जगह में तो कैमरा कैरी करने नहीं देता, उन लोगों को थोड़ा परेशानी होता, फ़ोन कैरी करने देता है, तो मैं आईफोन ही से ही ब्लॉग बना लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पड़ेगा क्योंकि 6 बजे का शो है, ऑलमोस्ट टाइम जो हो रहा है 6 बजने में और करीबन 5 मिनट बाकी है। सो कैमरा मैं ऑफ कर रहा हूँ, मूवी एंजॉय करता हूँ, उसके बाद हाफ टाइम के बाद मैं रिव्यू देता हूँ हाफ टाइम तक कैसा है, उसके बाद जैसे ही बाहर निकलेंगे फिर फुल रिव्यू मैं दे दूंगा। और जो साउंड हो रहा है फिल्म का नहीं, एम्बियंस का साउंड है। मुझे डर है कि लोगों का रिव्यू सच ना हो जाए क्योंकि मेरे को जितना खाली लग रहा है ना, पूरा खाली है, पूरा आसपास पूरा खाली है, सिर्फ दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम दूर में 2-4, मतलब टोटल मैंने चेक किया ऑनलाइन में 16 सीट सेल हुआ है, और अभी करंट कितना सेल हुआ है पता नहीं। शो शुरू हो रहा है, फ़ोन बंद करना। सो अभी इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू तक तो मेरे को ऑलमोस्ट अच्छा ही लगा, अभी एंड होगा अभी तक उतना कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन लास्ट तक देखने से मालूम पड़ेगा कैसा है क्या है क्रिकेट। सो अभी फ़िलहाल हम लोग पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहे हैं। पॉपकॉर्न का कलर कुछ अलग अलग लग रहा है। एक्चुअली ये पॉपकॉर्न जो है ये कुछ फ्लेवर है, अभी तक पता नहीं चल रहा है कैसा फ्लेवर है। यू बोलना है कि कुछ थोड़ा सा बटर बटर टाइप का लग रहा है। फिलहाल लाइट ऑफ हो गया, शो चालू हो रहा है, पॉपकॉर्न एंजॉय करते हैं, उसके बाद शो के बाद बता दें कैसा है क्या है। सो कल हम लोगों ने जो मूवी देखने के लिए गए थे एक विलेन रिटर्न्स, ऑलमोस्ट मूवी अच्छा है, ये हाफ टाइम तक कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन हाफ टाइम के बाद पूरा सीन पिक्चर एकदम क्लियर हो गया था। मतलब मूवी ऑलमोस्ट अच्छा है, आप 100 में अगर बोलोगे कितना मार्क्स दोगे तो मैं 100 में ऑलमोस्ट 70 दूंगा, 70 से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता इसको। सो मूवी अच्छा है, एक बार जाओ देखो, और ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ाऊँगा क्योंकि आज मेरे को बहुत सारा ब्लॉग करना है, मेरे को निकलना है अभी। सो इसलिए मैं ब्लॉग को एडिट करके अभी के अभी छोड़ देता हूँ, नया वाला ब्लॉग बनाना शुरू करता हूँ। सो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड मिलते हैं कल का ब्लॉग में।